दवाइयाँ भी एक्सपायर होती हैं, क्या एक्सपायर्ड दवाइयाँ हमें यूज़ करनी चाहिए? अगर हम यूज़ करेंगे तो क्या होगा, उसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, जानते हैं इस वीडियो में। हेलो, कैसे आप? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, हेल्दी होंगे। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे हैं, वो है एक्सपायर्ड मेडिसिन। एक्सपायर्ड मेडिसिन यानी हम सब लोग जब घर में कोई तकलीफ़ होती है तो दवाइयाँ लेके आते हैं, उसको यूज़ करते हैं। जब हम ठीक हो जाते हैं तो कुछ दवाइयाँ जो बच जाती हैं वो हम अलमीरा में बंद करके रख देते हैं, और कई बार 6 महीने सालों तक रखी रहती हैं, और उसके बाद जब हम दोबारा से दवाइयाँ निकालते हैं तो देखते हैं कि उसकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी है। तो क्या ये एक्सपायर्ड मेडिसिन जो है, अगर हम इनको यूज़ करें, इस्तेमाल करें, तो इनसे क्या नुकसान हो सकते हैं, इसी के बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं। तो जो एक्सपायरी डेट डालना दवाइयों पे मैंडेटरी कर दिया 1979 से, ये अमेरिका में जो यूएस का फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है उसके पहल के थ्रू ये स्टार्ट किया गया 1979 में, और उसके बाद ये मैंडेटरी हो गया। और इंडिया में भी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट है जिसके तहत हर दवाई पे उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट और उसका एक्सपायरी डेट डालना मैंडेटरी है, मतलब ज़रूरी है। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग डेट प्लस उसका एक्सपायरी डेट, ये असाइन किया जाता है हर प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन के ऊपर, हर ऑन द काउंटर ड्रग जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के हमें मिलती है उनके ऊपर, सारे वाइटमिन्स के ऊपर, सारे डाइटरी सप्लीमेंट्स के ऊपर और सारे हर्बल सप्लीमेंट्स के ऊपर। और इनफैक्ट आजकल तो जो खाने की जो ग्रोसरी स्टोर है जिसमें पैक्ड फूड आइटम है उन पे भी एक्सपायरी डेट जो है मेंशन की जाती है। तो हम बात करें एक्सपायर्ड मेडिसिन की, ये एक्सपायर्ड मेडिसिन अगर हम एक्सपायरी डेट के बाद लें, नुकसान है तो नुकसान कैसे होगा, इसके क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। रिस्क ऐसे हो सकता है कि टाइम के साथ एक्सपायरी डेट जब निकल जाती है तो टाइम के साथ उसके जो सॉल्ट कंपोजिशन है, उसके जो सॉल्ट कंपोजिशन में कुछ केमिकल चेंजेस आ जाए, उसकी वजह से अगर आप एक्सपायर्ड मेडिसिन लेते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स बढ़ सकते हैं, या अगर उसका केमिकल कंपाउंड चेंज हो गया तो उससे नए साइड इफ़ेक्ट्स भी आ सकते हैं। दूसरा उसका जो रिस्की है उसका इफ़ेक्ट जो है कम हो सकता है। कम ये हो सकता है कि उस एक्सपायरी डेट के बाद मेडिसिन की पावर जो है कम हो सकती है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो पोटेंसी है वो कम हो सकती है। और तीसरे जो हम बात करते हैं उसमें बैक्टीरियल जो ग्रोथ होती है वो मेनली जो लिक्विड मेडिसिन हैं, सिरप्स हैं, और फॉर एग्जांपल जो आई ड्रॉप्स हैं उनमें जो लिक्विड यूज़ होता है, उसमें जो प्रिजर्वेटिव यूज़ होता है, उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाते हैं एक पर्टिकुलर टाइम के साथ। तो इन्हीं के बारे में हम बात करते हैं, तीनों पॉइंट्स के बारे में, चेंज इन केमिकल कंपोजिशन और उसकी जो स्ट्रेंथ कम हो जाती है, और लिक्विड मेडिसिन में जो बैक्टीरियल ग्रोथ होती है उससे रिलेटेड हम बात करते हैं। तो आगे चलने से पहले हम एक ये बात करते हैं कि जब दवाइयाँ मैन्युफैक्चर होती हैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में, तो उसमें उसको प्रिजर्व करने का, इवन या तो आप घर में प्रिजर्व कर रहे हैं ला करके, या फिर फार्मेसी स्टोर में प्रिजर्व करने का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर उसमें एक मेंशन होता है, अवे फ्रॉम द लाइट, अवे फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग लाइट, और ह्यूमिडिटी से उसको बचा के प्रिजर्वेशन के कुछ उसमें गाइडलाइन दिए होते हैं। तो इन सब को हम फॉलो करते हैं तो जहाँ तक उसकी एक्सपायरी डेट है वहाँ तक कंपनी गारंटी देती है कि जिस काम के लिए दवाई बनाई गई है उसकी फुल पोटेंसी उसमें बनी रहेगी। उसके बाद फार्मास्यूटिकल कंपनी या फार्मा कंपनी आपको कोई गारंटी नहीं देती। तो हम बात कर रहे थे जो रिस्क फैक्टर्स हैं, रिस्क फैक्टर में पहले हमने बात की थी कि चेंज इन केमिकल कंपाउंड, अगर एक्सपायरी डेट के बाद उसमें कुछ केमिकल कंपोजिशन में चेंजेस आते हैं तो वो दो टाइप के हो सकते हैं, या तो उसमें कोई नया कंपाउंड बनेगा, एक्टिव कंपाउंड हो सकता है, एक्टिव यानी जो अपना इफेक्ट दिखाएगा, अलग तरीके से दिखा सकता है, जिस चीज़ के लिए दवाई बनी है उससे कुछ अलग तरीके से दिखाएगा, तो अलग तरह के साइड इफ़ेक्ट भी आ सकते हैं। तो ये जो एक्टिव कंपाउंड बनता है इसके साइड इफ़ेक्ट का जो पर्टिकुलर एग्जांपल है वो है टेट्रासाइक्लिन। अगर एक्सपायरी डेट के बाद लेते हैं तो उसमें नए कंपाउंड बन जाते हैं और वो कंपाउंड आपके किडनी तक को डैमेज कर सकते हैं। तो एक्सपायरी डेट के बाद टेट्रासाइक्लिन तो कम से कम नहीं लेनी, ये एक इसका बढ़िया एग्जांपल है। इसके अलावा और की बात करें तो क्लोरोक्विन है, पेंसिलिन ग्रुप ऑफ ड्रग्स है जो कि एक्सपायरी डेट के बाद हमें उसको यूज़ नहीं करनी चाहिए, और
इसके अलावा बात करें तो दूसरा जो कंपाउंड बना, नया कंपाउंड जो बना, वो हो सकता है कि एक्टिव ना हो, इनएक्टिव हो। इनएक्टिव होगा तो जिस काम के लिए, इनएक्टिव कंपाउंड होगा तो जिस काम के लिए दवाई बनाई गई है उसका वो इफेक्ट नहीं आएगा। जैसे कि सर दर्द के लिए अगर दवाई बनी है और आपने वो दवाई सर दर्द के लिए ली है एक्सपायरी डेट के बाद, तो आपका सर दर्द ठीक नहीं होएगा। और कंपाउंड हालांकि इनएक्टिव है तो उसमें हो सकता है आपको नए साइड इफेक्ट ना भी आए या आ भी सकते हैं। तो ये बात हुई इनएक्टिव कंपाउंड की। अगली बात करें, जो ड्रग की पोटेंसी थी, जो ड्रग की पावर थी, जो ड्रग की जो मतलब दवाई की स्ट्रेंथ थी, वो टाइम के साथ कम हो गई, एक्सपायरी डेट के बाद कम हो गई। तो उसमें भी जिस डिज़ीज़ के लिए आपने दवाई को लिया, वो डिज़ीज़ तो रुकेगा नहीं, वो रोग तो रुकेगा नहीं, वो रोग इनफैक्ट बढ़ता जाएगा, क्योंकि दवाई काम ही नहीं कर रही है, उसकी पावर ही नहीं है, उसकी पावर ख़त्म हो चुकी है एक्सपायरी डेट के बाद और वही आप ले रहे हैं, तो रोग आपका ठीक नहीं होएगा, इनफैक्ट बढ़ता जाएगा। उसके अलावा कुछ नए साइड इफ़ेक्ट भी आ सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि वो जो दवाई आप ले रहे हैं, खासकर एंटीबायोटिक्स में लिया जो है, ऐसा देखा गया है कि या तो उसकी पावर कम हो जाएगी या फिर ख़त्म हो जाएगी। तो उससे क्या होता है कि बैक्टीरियल रेजिस्टेंस जो होता है, रोग का रेजिस्टेंस जो होता है, वो बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, खासकर कि एंटीबायोटिक जैसी ड्रग्स के मामले में। तो क्योंकि उसको 100% एक्ट करना था और वो 20% ही एक्ट कर रहा है, तो बैक्टीरिया उसके लिए रेजिस्टेंस डेवलप कर लेगा। तो अगली बार अगर उसका जो फर्स्ट हैंड आप उसकी मेडिसिन लेते हैं फुल पावर में, तो वो बैक्टीरिया हो सकता है उसको मतलब उससे जो है क्योर ना हो, क्योंकि उसने रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया गया है। तो एंटीबायोटिक्स में खासकर बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक बार जब एक्सपायरी डेट निकल जाती है तो एंटीबायोटिक्स को कभी नहीं लेना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ की। बैक्टीरियल ग्रोथ जो होती है खासकर लिक्विड मेडिसिन्स में क्या होता है कि लिक्विड्स जो यूज़ किए जाते हैं सिरप्स में और आई ड्रॉप्स में, ईयर ड्रॉप्स में, वो जो लिक्विड यूज़ किए जाते हैं उसमें मेडिसिन होती है और उस मेडिसिन को प्रिजर्व करने के लिए हमें केमिकल प्रिजर्वेटिव उसमें मिलाना पड़ता है। ये प्रिजर्वेटिव दवाई अगर सही भी होगी तो, लेकिन ये प्रिजर्वेटिव है और जो लिक्विड उसमें मेडिसिन है वो एक्सपायरी डेट के बाद हो सकता है उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़ जाए, बैक्टीरिया उसमें ग्रो करने लगे, और वही दवाई यदि आप अपनी आँखों में यूज़ करेंगे या एज ए सिरप यूज़ करेंगे तो जिस काम के लिए दवाई बनी है उसमें तो इफ़ेक्ट आएगा नहीं, या आए लेकिन साथ में जो बैक्टीरिया उसमें ग्रो कर गया है, डेवलप कर गया है, वो आपको एक नए डिजीज़ को जन्म दे दे। तो लिक्विड मेडिसिन को भी एक्सपायरी डेट के बाद यूज़ करना रिस्की है। तो ये तो हुए इनके रिस्क फैक्टर्स के बारे में। तो दवाइयाँ जैसी होती हैं, जैसी हमने बात कर रहे थे कि एक पर्टिकुलर कंडीशन उसके लिए फार्मास्यूटिकल कंपनी डिफाइन करती है कि पर्टिकुलर टेम्परेचर, प्रेशर और ह्यूमिडिटी और अवे फ्रॉम द सनलाइट जो है दवाई रखनी चाहिए, तो उसी दवाई पे वो एक्सपायरी डेट तक फार्मास्यूटिकल कंपनियां गारंटी देती हैं कि आपके फुल पोटेंसी में जो है दवाई रहेगी और आपके डिजीज़ के लिए आपके लिए इफ़ेक्टिव रहेगी। कई दवाइयों में होता है डबल एक्सपायरी डेट होती है, इस बात को आप समझिए, डबल एक्सपायरी डेट यानी दो दो एक्सपायरी डेट। होता क्या है कि खासकर लिक्विड मेडिसिन में, जैसे कि आई ड्रॉप में एक्सपायरी डेट मान लीजिए उन्होंने दो साल की दी, लेकिन वो साथ में ये भी लिखते हैं कि एक बार आई ड्रॉप वो सील्ड पैक्ड होता है, एक बार वो आई ड्रॉप खुल गया यानी उसको आपने ओपन कर दिया, उसकी सील ब्रेक कर दी, तो उसके 3 महीने के अंदर अंदर आपको उसको यूज़ कर लेना है, तो ये उसकी दूसरी एक्सपायरी डेट हो गई। यानी अगर जब तक वो सील है तब तक तो वो 3 साल तक चलेगा, लेकिन जैसे ही उसकी सील आपने तोड़ दी तो उसके बाद अगर वो 3 महीने की उसकी एक्सपायरी डेट बता रहा है तो 3 महीने के अंदर अंदर उसके कंटेंट को आपने यूज़ कर लेना है। ऐसे ही लिक्विड सिरप्स में भी होता है कि जब तक वो सील्ड है तब तक तो उनकी फुल जो एक्सपायरी डेट है, लाइफ स्पैन, वो चलेगा, लेकिन एक बार आपने उसकी सील ब्रेक कर दी, उसको ओपन कर दिया, तो उसको जो पर्टिकुलर एक टाइम वो लोग डिफाइन करते हैं, मान लीजिए 3 महीने, तो आपको 3 महीने के अंदर अंदर उसको यूज़ कर लेना है। तो ये हो गई डबल एक्सपायरी डेट की। आगे हम एक बात करते हैं कि रिसर्च में ऐसा कुछ देखा गया है कि कई दवाइयाँ जिसके ऊपर एक्सपायरी डेट मेंशन्ड है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की गाइडलाइन भी है कि आपको एक्सपायरी डेट मेंशन करनी ही करनी है, लेकिन रिसर्च में कुछ ऐसा देखा गया है कि एक्सपायरी डेट के बाद भी कुछ सॉलिड दवाइयाँ जैसे कि टैबलेट फॉर्म में हैं,
वो उनकी पोटेंसी, उनकी पावर बनी रहती है। कई बार अगले 5 से 10 से 15 साल तक, यानी एक्सपायरी डेट के 15 साल भी कई दवाइयाँ इफ़ेक्टिव रहती हैं। तो ऐसी कौन कौन सी दवाइयाँ हैं, ये हम अपने आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। और अभी जो हम एक बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी दवाइयाँ जो होती हैं आपको एक्सपायरी डेट के बाद नहीं लेनी चाहिए। तो जितनी भी दवाइयाँ आपके हार्ट के लिए बनी हुई हैं, उन दवाइयों को आप एक्सपायरी डेट के बाद बिल्कुल ना लें। नाइट्रोग्लिसरीन जैसे फॉर एग्जांपल है, इंसुलिन डायबिटीज़ के लिए यूज़ होता है, वो भी आप एक्सपायरी डेट के बाद बिल्कुल ना लें। एपिनेफ्रिन जो एलर्जी के लिए यूज़ किया जाता है, एपीपेन एनाफिलैक्सिस के लिए, उसको भी एलर्जी जो एक्सपायरी डेट के बाद यूज़ नहीं करना है। इसके अलावा लिक्विड एंटीबायोटिक्स, और एंटीबायोटिक्स तो वैसे ही ओवरऑल हमने बात कर ली कि एक्सपायरी डेट के बाद उसको इस्तेमाल हमें नहीं करना है। और आई ड्रॉप्स, लिक्विड मेडिसिन में आई ड्रॉप बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकती है, वो आप अपनी नाजुक आँखों में एक्सपायरी डेट के बाद यूज़ नहीं करें। तो जैसा कि हमने बात की, रिसर्च में भी ऐसा देखा गया कि कुछ जो मेडिसिंस हैं वो कि एक्सपायरी डेट के बाद भी इफ़ेक्टिव रहती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो एक्सपायरी डेट एक बार उसकी निकल चुकी है तो लीगली भी ये लीगल नहीं है, वैलिड नहीं है कि फार्मेसी में ये दवाई बेची जाए। तो लेकिन कुछ दवाइयां हैं जो कि इफ़ेक्टिव रहती हैं। कौन सी दवाइयां, ये अपने आगे आने वाली वीडियोस में हम बात करेंगे। और अगर एक्सपायर्ड मेडिसिन आपके घर में हैं तो उनका आप क्या करें, उनको कैसे डिस्पोज करेंगे, इस बारे में भी हम आगे अपने आने वाली वीडियोस में चर्चा करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आपने समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, स्टे हेल्दी।